नहीं, लालू जी फिट हो गए हैं, अच्छा है। लालू जी के स्वास्थ्य की हम लोग और कामना करेंगे, और फिट हो जाए, बढ़िया है। उधेड़बुन की बात हो रही थी हमेशा कि दूल्हा कौन है इस पूरे विपक्षी गठबंधन का। कल सांकेतिक भाषा में लालू जी ने राहुल गांधी को ये आशीर्वाद दे दिया है कि अब आपको दूल्हा बनने का समय आ गया है, क्या कहेंगे? बस यही हम चाह रहे हैं। बड़ी अच्छी आपने सवाल पूछा है। तो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस बजाय दुल्हा घोषित कर देना चाहिए था। ये दुर्भाग्य है कि आपने देखा होगा केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले चले गए थे। क्या इससे होता है, क्या लगता है आपको महागठबंधन? कल बहुत अच्छा मौका था, जितने 15-16 आए थे विरोधी चेहरे, सब मुख्य रूप से मिलकर के उनको घोषणा कर देना चाहिए था दुल्हा, लेकिन कहीं कुछ नहीं हुआ। इसलिए मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि इन लोगों की नीति ठीक नहीं है, नियत ठीक नहीं है। ये सब लोग अपना अपना स्वार्थ के लिए एक पिकनिक टाइप इकट्ठा हुआ। नहीं, हमको दर्द नहीं हो रहा। जिस हिसाब से देश में एक माहौल बनाया गया था कि अब पटना में बैठक होगी, विपक्ष के सारे चेहरे मौजूद होंगे, और जिस हिसाब से हवा निकली उस मतलब जिस हिसाब से खुश किया वो कार्यक्रम, इस पे हम लोगों को थोड़ा अपना पक्ष रखना। देखिए इतना बता दीजिए कि चिराग पासवान कब मंत्री बनेंगे, वो तारीख आप नहीं बता रहे, लेकिन बनेंगे कि नहीं बनेंगे? अच्छा एक चीज बताइए, एक चीज बताइए धीरज जी, एक चीज बताइए, चिराग पासवान जी को मंत्री अगर बनना प्राथमिकता रहता तो 2020 में हम एनडीए छोड़ के अलग नहीं होते और हमारे नेता मंत्री होते। मंत्री पद मैं फिर बोल रहा हूँ कि प्राथमिकता में नहीं है। हमको चाहिए बिहार का मान सम्मान, जो गौरवशाली इतिहास उसको वापस करना, बिहार को फर्स्ट राज्य का दर्जा दिलाना, बिहारी अस्मिता जो गौरवशाली उसको पाना, ये मेरे नेता का पहला आज ही मिले तो इसको दरकिनार कर देना एकदम। नहीं देखिए, दरकिनार नहीं करेंगे, हमारा पहले बहुत कुछ है बिहार में। मान लीजिए आने वाला चुनाव है, सम्मानजनक सीट समझौता है, मंत्री पद महत्वपूर्ण नहीं है। सब चीज का अगर बातचीत होगी, अगर उससे बेहतर आएगा तो उसे सोचा जाएगा, पार्टी सोचेगी। आप लोगों को लगा कि हाजी जी की जो दावेदारी हुई है, चाचा जी उससे परेशान नजर आ रहे हैं। बोला कि लालू प्रसाद यादव के साथ मिले, क्या लालू के साथ भी जाने की संभावना? हम नीतीश कुमार जी की तरफ से स्पष्ट रूप से कह रहे हैं उनके साथ नहीं जाएंगे, लालू के साथ जा सकते। अब देखिए, ये राजनीति में कब किधर जाना ये कोई नहीं कह सकते हैं कि आज कहाँ है हम कल कहाँ जा सकते हैं। इस पे राजनीति का रास्ता खुला रहता है, ये स्पष्ट रूप से आप लोग जानते हैं। व्यक्ति बसरते देश में एक पार्टी है जिसके साथ हम नहीं जा सकते, वो जनता दल यूनाइटेड है। बाकी हम नहीं कह सकते कि किसके साथ जा सकते हैं, किसके साथ नहीं जा सकते। आप लोग हाजीपुर की सीट की दावेदारी कर रहे हैं, चाचा जी थोड़ा परेशान नजर आ रहे हैं। देखिए चाचा जी जो कुकृत्य किए हैं, जो अपने पुत्र समान भतीजे के साथ पाप किए हैं, उसको भोगना पड़ेगा। आप चाचा जी इतना बड़ा करने के बाद, मान लीजिए उनको पार्टी तोड़े, चाचा को अकेला छोड़े, अब फिर उनके भगवान समान बड़े भाई के मरे हुए एक साल भी नहीं हुआ, एक साल के अंदर इतना बड़ा उन्होंने, मैं पाप कहता हूं उसको, किए हैं। तो चाचा जी अब आज कैबिनेट मंत्री हैं, इतना बड़ा पाप करने के बाद उनको नीतीश कुमार जी की कृपा से उनको मंत्री पद मिला। वो तो कैबिनेट मंत्री, भारत सरकार चेहरा उनका जब बने तो आपने देखा होगा चमक रहा था, लेकिन आजकल देख रहे होंगे जब चिराग जी का नाम आता तो चेहरा का हवा उड़ जाता है। ये उनको मतलब धीरे धीरे उनको याद चिराग जी के नाम सताने लगा है। तो मैं एक भी चीज और बता दूं कि धीरे धीरे ये सताने वाला सिलसिला ना बढ़ेगा, रात में उनको नींद नहीं आएगी। चिराग जी जब भी सपने में आएंगे उठ के बैठ जाएंगे, ये उनका अब उनका जो प्रायश्चित है वो ऐसे ही कटेगा। अरे हमारे यहाँ कौन दावा ठोका है, एक चीज बताइए, हमारे यहाँ कभी हमारे नेता चिराग पासवान जी बोले हैं क्या? हमारे नेता चिराग पासवान जी कभी पशुपति पारस जी का नाम तक नहीं लेते हैं। एक चीज मैं बता दूं, आप कहीं भी उनके दिखा दीजिए हमको, तो बता दीजिए। कौन हाँ, तो हमारे एकदम नहीं छोड़ेंगे, इसलिए नहीं छोड़ेंगे कि हम कहते हैं कि हमारे नेता संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का कर्म क्षेत्र है, क्यों छोड़ेंगे हम उसको, एकदम किसी कीमत से नहीं छोड़ेंगे। अरे हम अब हमको ले देखिए, जिसको ये हमारी शर्तें मंजूर होगी वो हमको साथ लाएगा, जिसको नहीं मंजूर होगी नहीं जाएगा। देखिए ये मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि पार्टी का एक एक कार्यकर्ता की चाहत है कि हमारे नेता, हम देखिए प्रदेश अध्यक्ष नहीं, लेकिन मैं व्यक्तिगत एक कार्यकर्ता हूँ पार्टी का, पहले तब प्रदेश, मेरी चाहत है कि हमारे नेता हमारे संस्थापक की कर्मभूमि से चुनाव।
अरे ये सब आप लोग देखिए, कहीं विषयांतर मत होइए, बहुत बढ़िया से आप लोगों को जल्दी से जल्दी जिस गठबंधन में जाएंगे, हम लोग आप लोग को बुला करके बजाते बता करके उस गठबंधन में जाएंगे, ससम्मान जाएंगे और सीटों के चयन हो जाने पर बढ़िया सम्मानजनक सीट समझौता कर। अरे हम तो बैठक में ही आप ही लोगों की तरफ से ब्रेकिंग न्यूज देख रहे थे, संयोजक बनाए गए, कहाँ गया, क्या हुआ, ये कोई डिसीजन हुआ इस बैठक में? कुछ नहीं हुआ साहब, अंदर की बात आप लोग जान लीजिए कि हकीकत यह है कि नीतीश कुमार जी पर कोई भी दल विश्वास नहीं कर रहा, इसलिए कि कब नीतीश कुमार जी पलट के कहाँ चले जाएंगे कोई भरोसा नहीं, चूंकि इनका इतिहास, इनका जो इनकी इमेज जो है इस कदर इस बिगड़ गई है कि कोई भी दल, अरे कांग्रेस को पहले से कई बार धोखा दे चुके हैं, आरजेडी को धोखा दे चुके हैं, ममता बनर्जी जी का आप पुराना रिकॉर्ड देखिएगा, झारखंड के चुनाव में इनके खिलाफ कितना कड़ा प्रहार किए हैं, इसलिए इनके ऊपर किसी दल का भरोसा नहीं है। जब इनके ऊपर कोई भरोसा नहीं थी, क्यों इनके ऊपर इतना बड़ा कोई पार्टी, कोई अभी हमको तो लगता कि सब पार्टियां डर रही हैं कि हम लोग इनको कुछ बनाते हैं आगे करते हैं तो कल ये जाकर भाजपा गोद में बैठ जाए पुनः। क्या डिसीजन हुआ? हाँ नहीं, बड़ी अच्छी बात बोली आप लोगों ने, राहुल गांधी आ गए, कांग्रेस आई, बड़े बड़े लोग आ गए, डिसीजन क्या हुआ? तीन तीन घंटे, साढ़े तीन घंटे की महा बैठक हुई, काफी देर तक हुई, डिसीजन क्या हुआ? एक डिसीजन, शुरुआती डिसीजन बता दीजिए हमको। अरे भाई मान लीजिए एकजुटता का हो, कोई संयोजक, काफी लोग तरफ से आ रहा था ना कि नीतीश कुमार महागठबंधन के संयोजक बने, कहीं कुछ तो नहीं हुआ? शिमला में सीट शेयरिंग होगा, यही बैठक की बात हुआ। अरे शिमला में और आधे लोग गायब हो जाएंगे, जैसे बताया ना छह बड़े चेहरे नहीं आए थे महागठबंधन के, नवीन पटनायक से लेकर के मायावती जी से लेकर जगन मोहन रेड्डी जी से लेकर के चंद्रशेखर राव से लेकर के बहुत सारे लोग नहीं आते, न्योता नहीं था, तो फिर वो लोग देश की राजनीति में पांच तीन बार चार बार के मुख्यमंत्री है तो क्या वो एनडीए में है? लोग ये मांग ले, एनडीए में है तो ये लोग मान लें, तब फिर कैसा विपक्ष एकजुट है बताइए, ये विपक्ष कैसा एकजुट है? विपक्ष पांच बार तीन बार चार बार का मुख्यमंत्री हुए एनडीए में मान लेंगे ये लोग, जहां इनकी दाल नहीं गलेगी उसको सबको एनडीए मान लेंगे, जगन मोहन रेड्डी को मान लिया, चंद्रशेखर राव को भी एनडीए मान लिए ये लोग, चंद्रशेखर राव हमको लगता है कि सबसे पहले बिहार की धरती पर आकर इसकी शुरुआत किए थे, आप लोग भी कवरेज किए होंगे। अच्छा चिराग पासवान शामिल होंगे, चिराग पासवान अभी ना एनडीए में है ना महागठबंधन में, जहां शामिल होंगे आपको बता करके शामिल मिल रही है कि नहीं, आपका सूत्र जो लग रहा है तो सूत्र काफी दिन से हम लोग इस सूत्र पे नहीं जा रहे हैं, अगर बनेंगे तो आप लोग को बता करके बजाते आप लोग को हम लोग इनवाइट करेंगे, और अगर ऐसा कुछ हुआ तो बिना आपसे बताए हम लोग नहीं जा रहे हैं। 12 तारीख की बैठक को देखने के बाद नहीं देखिए बैठक वैठक के बाद देखिए चिराग पासवान जी स्पष्ट कर चुके हैं कि मैं नीतीश कुमार के साथ कभी नहीं जाना, इसमें कहीं आप लोग विपक्ष हो, आज भी मेरी पार्टी नीतीश कुमार जी के साथ नहीं जाने के अपने वक्तव्य पे कायम। और दूसरी बात एक चीज और मैं बता दूं, नीतीश कुमार जी को हम लोग मजबूत मानते भी नहीं, जो 40 सीट के दल के मुख्यमंत्री हैं, स्वयं बैसाखी पे हैं, बिहार की जनता ने उनको नकार दिया है, देश कैसे स्वीकार करेगा जी? भारतीय जनता पार्टी के बदौलत उनकी उत्पत्ति है, मैं सीधा आरोप लगा रहा हूँ। नीतीश जी आप लोग के देने आ गए, नीतीश जी हम लोग के देने आ जाएंगे तब देखा जाएगा, नहीं हमारा तो रिश्ता नहीं है, नहीं है एकदम नहीं है, नीतीश कुमार जी मेरे देने आए चाहे जो आप बोल रहे हैं मगही भाषा में, बड़ा अच्छा लगा, हमारे तरफ आए चाहे हम उनके तरफ, सवाल ही नहीं उठता नीतीश कुमार। आशीर्वाद इजी कॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम, हम सिर्फ घर नहीं खुशियाँ भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज, पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना तो कीजिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क।